महाकवि कविकुल गुरु कालिदास को नमस्कार है। उसकी प्रशस्ति में कुछ पद्य हैं। मधुमोचिकारुण रसाल सिता वनिता धरा सदुपयांतु कथम सरसस्य वत्सरषते पिगते कवि कालिदास वचसस्तुलनाम। कालिदास के लिए भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने लिखा है कि हजारों वर्ष हो गए महाकवि कविकुल कालिदास की वाणी में वही मिठास है। यह मिठास वर्षों तक शहद में नहीं रहता, किशमिश में नहीं रहता। कवि कालिदास की वाणी में अब तक वही मिष्टता भरी हुई है, अद्भुत है वो। मधुमोचिका ऋण रसाल सिता वनिता धरा सदुपयांतु कथम सरसस्य वत्सरषते पिगते कवि कालिदास वचसस्तुलनाम। अब हमें मालूम नहीं है कालिदास की सूरत कैसी थी, उसकी मूर्ति कैसी थी। कई जगह कालिदास की मूर्ति स्थापित की गई है। उज्जैन में कालिदास अकादमी पूरी बनी हुई है। प्रतिवर्ष देवोत्थापनी एकादशी को कालिदास की स्मृति में अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। किंतु कैसे थे कालिदास, उनकी मूर्ति का पता नहीं है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने लिखा है कि अरे भाई, उनकी मूर्ति तो उनकी कृतियों में प्रत्यक्ष है। उन्होंने लिखा है, मौलिर्वंशो रघुणाम मुख मह कुमारोद्भवो मेघदूतम वक्षो विज्ञान शाकुंतल मिदमुचितान कुंतलान्यस्य विद्धि समुहारो यस्य हारो ह्यपरमपि वपुर मालवी केशवादि प्रत्यक्षम कालिदासस्य भुवि विजय श्रद्धरा मूर्तेषा। कालिदास की मूर्ति तो कालिदास की कृतियां हैं, उनका रघुवंश उनका सिर है, अभिज्ञान शाकुंतल उनका वक्ष है, रघुवंश मौलिर्वंशो रघुणाम मुख मह कुमारोद्भव कुमार संभव उनका मुख है, मेघदूतम वक्षः मेघदूत उनका उर है, अभिज्ञान शाकुंतल मिदमुचितान कुंतलान्यस्य विद्धि अभिज्ञान शाकुंतल कुंतल है उनके केश हैं, संहारो यस्य हारः और हार पहना हुआ है ऋतु संहार का वो हार है, संहारो यस्य हारो ह्यपरवपि वपुर मालवी केशवादि प्रत्यक्षम कालिदासस्य भुवि विजय श्रद्धरा मूर्तिरेषा। तो कालिदास तो जीवित हैं, हर एक के हृदय में उनकी मूर्ति बसी हुई है, क्योंकि उनकी कृतियां अमर हैं। केवल 7 कृतियां कालिदास की हैं, कुछ नाटक हैं, कुछ काव्य हैं, और वो सब अमर हैं। वे सब सबसे बड़ा कवि आज से 2000 से अधिक वर्ष पहले हुआ क्यों माना गया, उसका कारण क्या है। उन्हें कविकुल गुरु कालिदास कहा है जयदेव ने, प्रसन्न राघव वाले ने। कविकुल गुरु का मतलब है अब तक जितने भी कवि हुए उन सबसे बड़ा वो है, उससे बड़ा कोई कवि नहीं हुआ। क्या कारण है, उसके बाद शतशह सहस्रशह कवि हुए हैं कालिदास के बाद, किंतु किसी ने भी उनकी तुलना नहीं की, उसका कारण क्या है। तो उसके लिए अनेक बातें प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। कालिदास ने ऐसी उपमाएं दी हैं कि उनका कोई जवाब ही नहीं। उपमा कालिदासस्य और भारवेरर्थ गौरवम, भारवी में अर्थ गौरव, भारवी में गरिमा है, उसका कोई जवाब नहीं है। दंडी में पदों का लालित्य है, उसका कोई जवाब नहीं है। किंतु ये तो केवल कहने की बात है, कालिदास में सब कुछ है। कालिदास में अलंकार भी है और वस्तु स्थिति भी है, प्रकृति का वर्णन भी है, और ऐसे प्रकृति का वर्णन है जो अनुपम है और किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये सबसे बड़ी बात है। जितने अन्य कवि हैं उन्होंने अलंकारों का तो बहुत बड़ा वर्णन किया है, सब जगह अलंकार लगाए हैं, और जितने भी भारवी दंडी इन्होंने जो लिखे हैं, शिशुपाल वध लिखा है माघ ने,
और इस प्रकार के जितने कवियों ने लिखा है उन सब ने वर्णन किया है प्रकृति का। प्रकृति के वर्णन में अलंकार खूब आए हैं, ये पर्वत है, ये नदियों का पिता है, नदियां इसकी पुत्री हैं, इनको आशीर्वाद दे रहा है, ये सब जा रही हैं, इस प्रकार के अद्भुत वर्णन उन्होंने किए हैं। किंतु मैंने ये पाया है कि सब जगह उनमें अलंकार और ऊपर की बातें बहुत अधिक हैं, अंदर का दृश्य जो वास्तविक प्रकृति के अद्भुत दृश्य हैं वो अगर किसी ने किए हैं तो वो कालिदास ने जिस तरह से चित्रित किए हैं वो अद्भुत हैं। उनमें से केवल कुछ नमूने ही पर्याप्त होंगे। केवल शब्दालंकार के द्वारा किसी चीज का वर्णन कर देना वो तो ठीक है, बहुत बढ़िया संस्कृत है, छात्रों को पढ़ाया जाता है, उसमें अलंकार कितने आए, उपमाएं आई और किस प्रकार का वर्णन किया है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, श्लेष है, वह सब तो है। कालिदास ने इन सब के अलावा अनेक ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जहाँ का वर्णन किया उस वर्णन में ऐसी चीजें वर्णित की जिससे लगता है कि कालिदास पूरे देश में घूमा होगा। आज सबसे बड़ी समस्या ये है और इस पर सैकड़ों प्रश्न लिखे जा चुके हैं कि कालिदास कहाँ के थे, कहाँ पैदा हुए। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि कालिदास उज्जैनी के थे क्योंकि उन्होंने उज्जैनी का बहुत अच्छा मेघदूत में वर्णन किया है, महाकालेश्वर का वर्णन किया है, तो ये कहते हैं कि वो उज्जैनी के जरूर होंगे और इसीलिए उज्जैन में कालिदास अकादमी स्थापित है। उज्जैन वाले क्लेम करते हैं कि कालिदास हमारे हैं। उसके साथ साथ कविठा नाम का एक गाँव है हिमाचल प्रदेश में, वो कहते हैं हिमालय का उन्होंने इतना अद्भुत वर्णन किया है, हिमालय का वर्णन कालिदास ने जैसा किया वो कोई नहीं कर सकता जब तक हिमालय में बरसों न रहा हो, ऐसा अद्भुत वर्णन कालिदास ने किया। तो वो ये कहते हैं कि कालिदास हिमालय के रहने वाले थे। कविठा नाम का ग्राम है, वो है कवि का स्थान, कवि स्थान वो कविठा है, वो हिमाचल प्रदेश में है, उनका ये कहना है। इसके साथ समुद्र वाले ये कहते हैं कि भैया हिमाचल प्रदेश में न तो समुद्र है न उज्जैन में समुद्र है, कालिदास ने समुद्र का वर्णन इतना अद्भुत किया है, एक्यूरेट वर्णन समुद्र की जंतुओं का जैसा वर्णन दुनिया में किसी और ने नहीं किया वो कालिदास ने किया है, कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। इसलिए एक तो ये बात तो सिद्ध है कालिदास की सातों कृतियों से कि कालिदास पूरे देश में घूमे थे और देश का उन्होंने इतना सूक्ष्म निरीक्षण किया था, ऑब्जर्वेशन इतना अद्भुत किया था और उसमें वर्णन इतना अद्भुत किया वो देखने लायक है। उनके वर्णनों में केवल कुछ नमूने बतलाने पर्याप्त होंगे जिनसे ये मालूम पड़ता है कि वह व्यक्ति जो वहाँ रहा है और वहाँ की खासियत का को परख करके जब तक नहीं वर्णन कर रहा तब तक वैसा हो ही नहीं सकता। कालिदास ने इस प्रकार के वर्णन किए हैं। उदाहरण के लिए कालिदास ने समुद्र में जो कुछ जंतु होते हैं वो केवल समुद्र में रहने वाला व्यक्ति ही जानता है। आजकल तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि समुद्र के कुछ जंतु किस प्रकार के होते थे। आपने नाम सुना होगा व्हेल मछली, व्हेल मछली का दुनिया भर ने समुद्र का वर्णन किया है, कवियों ने समुद्र का वर्णन किया है, केवल अलंकार और शब्द शैया रखी है। कालिदास ने अद्भुत वर्णन किया है व्हेल मछली का जो मुंह में पानी भरकर दबाते हैं और ऊपर उनके सिर में से झरना निकलता है, ये व्हेल मछली। व्हेल मछली समुद्र की खास, समुद्र के किनारे जो जाता है वही व्हेल मछली को देख सकता है। कालिदास ने देखा था और उसने वर्णन किया है व्हेल मछली का रघुवंश के 13वें सर्ग में। कहाँ किया है? वो जब रावण पर विजय प्राप्त हो गई और राम पुष्पक विमान में बैठकर लंका से अयोध्या आ रहे हैं। देखिए आप किस रूप में उसने ढंग किया, लंका से अयोध्या आने के बीच में क्या क्या कुछ मिलता है वह सब वर्णन किया है। तो आज जिस पर काफी झगड़ा चल रहा है कि राम का सेतु है या नहीं, कालिदास ने उस सेतु का वर्णन पूरा किया है कि ये समुद्र में हमने सेतु बांधा था, देखिए सीता को वो लेके आ रहे हैं, सीता को बताया कि ये समुद्र में सेतु हमने बांधा था, ये वह सेतु है। अब ये 2000 से कुछ अधिक वर्ष पहले कालिदास का प्रत्यक्ष वर्णन बताता है कि राम ने सेतु बांधा था लंका और भारत के बीच में, वह उस सेतु का क्लियर वर्णन किया है
उसने समुद्र में। वह तो प्रत्यक्ष है, हर आदमी जानता है, किंतु उसके साथ व्हेल का जो वर्णन किया है वह देखने लायक है। वो कहता है, सीते देखो ये किस प्रकार की मछलियां हैं। ससत्वमादाय नदी मुखाम्भ सम्मीलयन्तो विकृतानत्वम् अमीशिरोभिस्तिमय सरंध्रहि रूर्ध्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान्। देखो ये मछलियां हैं, मछलियां कौन सी मछलियां हैं, इनको तिमी कहते हैं यानी व्हेल। अब ये तिमी क्या होता है, व्हेल क्या होता है, ये लोग नहीं जानते। अधिकांश टीकाकारों ने ये लिखा है जलचर विशेष, कोई जलचर है। अरे जलचर क्या है, ये व्हेल का वर्णन उसने किया और किसी ने नहीं किया। व्हेल के सिर में से जो छेद है उसमें से पानी का झरना निकलता है। ससत्वमादाय नदी मुखाम्भ सम्मीलयन्तो विवर्तानत्वम् अमीशिरोभिस्तिमय सरंध्रैः ऊर्ध्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान्। तिमी मछलियां अपने सिर से झरने निकाल रही हैं, देखा सीते तुमने। ये वर्णन उसने किया जो केवल देखने वाला कर सकता है, इसमें अलंकार कुछ भी नहीं है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का चमत्कार है। ये है कविकुल गुरु कालिदास की अद्भुतता। इसी प्रकार की चीज जो कोई समुद्र के किनारे न रहा हो वो नहीं कर सकता, वो कालिदास ने किया। इसके साथ साथ समुद्र में और नदी में एक और मछलियां होती हैं जिनको कहते हैं शार्क मछलियां। अभी केवल आज हम जानते हैं शार्क मछलियां क्या होती हैं, लेकिन उसने ये भी वर्णन किया है। वो समुद्र में मातंक नगरी सहतोपतर्भिर भिन्नान द्विधा पश्य समुद्र फेनान कपोल संसर्पितया येषां व्रजन्ति कर्णक्षण चामरत्वम्। वो क्या होता है, समुद्र में फेन होते हैं बराबर, इनका भी वर्णन बहुत कम किया है। अगर किसी ने यात्रा की है एरोप्लेन से तो देखते हैं समुद्र में, कुछ जगह के समुद्र में इंडियन ओशन में भी फेन ही फेन, सफेद सरफेस है। उस सफेद सरफेस में नक्र नाम के यानी शार्क नाम की मछलियां हैं, वो उस फेन को उठाती हैं ऊपर और वो फेन उनके दोनों कानों के बराबर होकर के गिरता है। उसका ऐसा अद्भुत वर्णन किया है। मातंग नक्रई ही नक्र उसका नाम दिया इन्होंने, शार्क को नक्र, मातंग नक्र नाम दिया है। ये केवल कालिदास ने नाम दिया उनका, ये जबरदस्त जोर, इसको क्या कह सकते हैं, जो जलचर पक्षियों जलचर प्राणियों का इतना अद्भुत निरीक्षण किसी ने किया है तो वो कालिदास ने किया है। मातंग नक्रई सहसोत्पतद्भिर भिन्नान द्विधा पश्य समुद्र फेनान, समुद्र के फेन को लेकर के मातंग नक्र ये जो शार्क मछलियां हैं ऊपर उठती हैं, दोनों तरफ से फेन गिरते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये झंडे हैं। मातंग नक्रई सहसोत्पतद्भिर भिन्नान द्विधा पश्य समुद्र फेनान कपोल संसर्पितया येषां व्रजन्ति कर्णक्षण चामरत्वम्। तो ये चूंकि नदियों का राजा है समुद्र, तो समुद्र के राजा का चमर डुला रहे हैं ऐसा लगता है, इनके बराबर जो फेन गिर रहे हैं उससे उनकी यशो गाथा गाई जा रही है। ये शार्क मछलियों का वर्णन ये कालिदास ने किया, ये कविकुल गुरु कालिदास की ही महिमा है और किसी ने नहीं किया। ये जो ऑब्जर्वेशन नेचर का ये अद्भुत है, और इसलिए ये प्रत्यक्ष है कि कालिदास ने भारत के एक एक हिस्से का वर्णन पूरी तरह किया और भारत के प्रत्येक हिस्से में भ्रमण किया। ये तो वर्णन हुए समुद्र के, जो दक्षिण भारत में जाकर के जो रहने वाला है वही देख सकता है और वही कर सकता है। इसके अलावा हिमालय का वर्णन इन्होंने जो अद्भुत किया है, हिमाचल के 16 श्लोक इन्होंने लिखे कुमार संभव में, हिमाचल में क्या क्या होता है और उसमें जो हिमालय प्रदेश में रहा है वही केवल वर्णन कर सकता है। उसमें भोजपत्रों में किस प्रकार लिखा जाता था ये दक्षिण भारत में नहीं जानते, भोजपत्र हिमालय में होते हैं वहाँ किस प्रकार लिखते हैं उनका अद्भुत वर्णन किया है, किस प्रकार प्रेम पत्र भोजपत्रों में लिखे जाते थे उसका अद्भुत वर्णन किया है। इसी प्रकार एक और वर्णन किया है चमरी गाय का, जो केवल हिमालय में होती है, याक कहते हैं उसको, याक एक इस प्रकार की गाय होती है जिसकी पूंछ बहुत ज्यादा बालदार होती है,
उसका वर्णन इतना अद्भुत किया है वो केवल कालिदास ने किया है। वो किया है हिमालय के 16 श्लोक जो लिखे हैं, उसमें एक हिमाचल गिरिराज है, पर्वतों का राजा है। इस पर्वतों के राजा में जैसे भोजपत्र का वर्णन किया, उसमें गुफाएं किस प्रकार हैं, बर्फ कैसे जमती है, उन सब का ऐसा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का वर्णन कालिदास ने किया है, वह सब तो देखने लायक है। किंतु उसमें जो याक नाम की गायें होती हैं उनका वर्णन किया है, उसको भी टीकाकार लोग याक में जंतु विशेष ये लिख देते हैं। आज का जो आदमी है, आज का जो विज्ञान है, विज्ञानवेत्ता है, जूलॉजिस्ट है, वो बतलाता है कि भैया ये याक नाम की गायों का वर्णन है। याक गायें इस प्रकार की होती हैं जिनकी पूंछ में बहुत ज्यादा बालों के झरने होते हैं, बाल ही बाल पूंछों में होते हैं, तो उनका वर्णन किया उसने अद्भुत। लांगूल विक्षेप विसर्भिशोभैः इतस्ततः चंद्रमरीचि गौरी यस्यार्थ युक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बाल व्यजनैश्च मरियः। ये हिमालय है, हिमालय पर्वतों का राजा है। ये कैसे सिद्ध होता है? राजा के तो चमर डुलाए जाते हैं ना, तो राजा के चमर कौन डुला रही हैं कि चमरी गायें, याक गायें हैं, ये चमरी डुला रही हैं। कैसे डुला रही हैं कि इनकी पूंछें एकदम बिल्कुल चमर जैसी पूंछें, बाल ही बाल वाली हैं, और उसको हिलाती हैं तो उससे, और वो सफेद हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उनके चमर किए जा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से उसने जो वर्णन किया है, लांगूल विक्षेप विसर्प शोभई इतस्ततः चंद्रमरीचि गौरी यस्यार्थयुक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बाल व्यजनैश्च चमरिये। ये चमर डुलाए जा रहे हैं इस महाराजा के आगे याक गायों के द्वारा, चमरी गायों के द्वारा। ये गायों का जिस तरह से इसने वर्णन किया है वह भी अद्भुत है, देखने लायक है। इसलिए है वो कविकुल गुरु, उसने प्रकृति का इतना सूक्ष्म निरीक्षण करके उसका वर्णन सरलता से कर दिया है। अब उसको आज के लोग चाहे तो उसको जूलॉजी के दृष्टि से देखें, चाहे तो उसको सूक्ष्म निरीक्षण की दृष्टि से देखें, चाहे तो उसको वर्णन की सरलता और सौविध्य की दृष्टि से देखें, उसमें कोई बनावट नहीं है, अलंकार नहीं है। ये कालिदास की खासियत है। अलंकार तो इसके सैकड़ों हैं ही, उसकी तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। उपमा अलंकार खूब वर्णन किया गया है, उसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता। किंतु एक और कालिदास की विशेषता है, वह विशेषता है कि हरेक कवि ने जो वर्णन किया है वो किसी भी चीज का, नदी का वर्णन कर रहा है, समुद्र का कर रहा है, राजा का वर्णन कर रहा है, तो स्थिति का वर्णन किया है। कालिदास ने गति का वर्णन किया है, ये अद्भुत है। इसलिए कालिदास के काव्यों में और नाटकों में अगर आपको उनका वर्णन जो कि क्यों रिकॉर्ड करना है, तो वीडियो के अलावा कोई तरीका ही नहीं है उसका रिकॉर्ड करने का। बिल्कुल फिल्म के लायक किया उसने हर काम, जाते हुए गति किस प्रकार होती है, गति का वर्णन, ये कालिदास की विशेषता है। इस प्रकार का वर्णन और किसी ने नहीं किया, किस प्रकार की गति होती है। इसलिए ज्यादातर ये माना जाता है कि रथ का वर्णन किया, रथ जा रहा है, बहुत अच्छा रथ, बड़ी तेजी से घूम रहा है, यहाँ तक का तो वर्णन किया। किंतु जब तक कोई एरोप्लेन से यात्रा न करे, तब से एरोप्लेन से उतरते हुए किस प्रकार का दृश्य होता है, किस प्रकार नदियाँ नीचे दिखाई देती हैं, ऊंचाई पर कोई उठा हुआ है और नीचे चीजें कैसे दिख रही हैं, ऊपर से नीचे उतरता है तो प्लेन जब धीरे धीरे जमीन पर उतरता है, उस समय का जो दृश्य है वो कालिदास ने लिखा, जिससे लगता है कि एरोप्लेन में यात्रा की होगी। क्या वर्णन किया है? दुष्यंत मातली के रथ से आ रहा है, मातली हवाई जहाज, मातली आकाश में अपना रथ ले गया है और आकाश का रथ धीरे धीरे उतर रहा है, उसका वर्णन किया। किसी और ने नहीं किया, कालिदास ने उसका वर्णन किया। वो ये कि अच्छा अब उतर रहे हैं हम, देखो किस प्रकार दिखलाई दे रही है, उनका जो वर्णन किया उसने वो अद्भुत है। वो ये उतरते हुए लगता है कि नीचे पहले बहुत ऊंचाई पर तो पहाड़ बिल्कुल समतल दिखते हैं, जब धीरे धीरे उतर रहे हैं तो पहाड़ों के शिखर दिखलाई देने लगते हैं,
अब पहाड़ अब दिख रहे हैं। नदियां बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी, अब ये लगता है नदियों के एक एक पार्ट दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार वृक्ष हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, अब धीरे धीरे वृक्ष दिख रहे हैं। इसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक में मातली के रथ से दुष्यंत उतर रहा है। मातली है इंद्र का सारथी, वो दुष्यंत को ऊपर ले जाता है और स्वर्ग में वहां का काम करके अपने रथ से उनको नीचे पहुंचाता है कि हम आपको पहुंचा देंगे आपके घर। तो पहुंचाने से जो प्लेन नीचे उतर रहा है वह है, उसका वर्णन ज्यों की त्यों किया है। शैलानाम अवरोहतीव शिखरा उन्मज्जताम मेदिनी पर्णाभ्यंतर लीनताम विजहति स्कंधोदया पादपा संधानम तनुमात्र नष्ट सलिल व्यक्त्या व्रजन्त्यापगा केनाप्युत्क्षिपते पश्य भुवनम मत पार्श्वमानीयते। बिल्कुल प्लेन डाउन होते समय का दृश्य उसने किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीन ऊपर उठ रही मेरे पास आ रही है। पहले तो जमीन नीचे दिख रही थी, अब धीरे धीरे शैलानाम अवरोहती शिखरा दुन्मज्जताम मेदिनी, पहले तो पर्वत के शिखर दिख रहे थे, अब शिखर धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, उसके नीचे की पृथ्वी भी दिख रही है। ये दृश्य अद्भुत है। पर्णाभ्यंतर लीनताम विदहति स्कंधोदयात पादपा, और ऊपर से जब उतर रहे हैं तो केवल वृक्षों के पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं, वृक्षों की हरियाली दिखाई देती है, वृक्षों का जड़ बिल्कुल नहीं, तना दिखाई नहीं देता। तो अब उनका रे भाई थोड़े और नीचे उतरे हैं तो ये तना दिखाई देने लगा है। क्या अद्भुत वर्णन किया है। पर्णाभ्यंतर लीनताम विजयति स्कंधोदया पादपा, पादपों के तने दिखाई देने लगे। संधानम तनुमात्र नष्ट सलिल व्यक्त्या व्रजन त्यापगा, और पहले केवल जली जल दिखलाई देता था, तट नहीं दिखलाई, नदी के किनारे नहीं दिखलाई देते थे, अब उतरते में कितना ही किनारे दिखलाई देने लगे हैं। इससे साफ नजर आता है कि निश्चित रूप से किसी भी किसी रूप में ऊपर से नीचे वास्तव में उतरने का वर्णन उसने शाकुंतल में किया। सातवें अंक के आठवें श्लोक में ये वर्णन है, बड़ा अद्भुत है। इस प्रकार सारी गतियों का वर्णन किया है। एक गति का ये किया कि अगर तेजी से कोई आदमी दौड़ रहा है तो क्या होता है, उसका वर्णन बिल्कुल हाथ में झंडा लेकर आप दौड़ेंगे तो झंडा कैसे फहराएगा, इसका वर्णन अद्भुत किया है उसने। उसने ये कहा कि मेरा उसमें अलंकार है, लेकिन इस अलंकार में जो गति का वर्णन है वो अद्भुत है। वो ये कह रहा है कि मेरा शरीर तो आगे जा रहा है पर मन तुम्हारी तरफ ही है। शकुंतला में उसका मन रम गया, दुष्यंत वापस अपनी राजधानी में जा रहा है, कण्व के आश्रम में शकुंतला से मिला था, वहाँ उसका प्रेम हो गया, वापस जा रहा है तो उसकी याद ज्यों की त्यों आ रही है। तो वो कहता है गच्छति पुनः शरीरम धावति पश्चात संस्तुतम चेतः चीनांशुकमिव केतो प्रतिवातम नीयमानस्य। झंडा लेकर, हल्का झंडा लेकर कोई आदमी दौड़े तो वो तो दौड़ेगा आगे, लेकिन झंडा तो पीछे की तरफ जाएगा ना हवा से। तो मेरा ये मन तो है मेरा झंडा और मैं हूँ झंडे का डंडा। क्या अद्भुत कर रहा है कि डंडा तो आगे की तरफ जा रहा है लेकिन झंडा पीछे की तरफ जा रहा है। ये अब उपमा समझिए, उत्प्रेक्षा समझिए या क्या समझिए, गति का वर्णन है। ये चीज जब तक झंडे को जाते हुए आप वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चल सकता कि कितना अद्भुत वर्णन किया है इसने। गच्छति पुनः शरीरम धावति पश्चात संस्तुतम तेजः चीनांशुकमेव केतो प्रतिवातम नीयमानस्य। इसी प्रकार एक और अद्भुत वर्णन उसने किया कि जिस प्रकार किसी का स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर में कन्या वरमाला लेकर चारों तरफ घूमती है और जब घूमती है तो जिसके सामने जाती है उसका मुंह तो एकदम प्रसन्न हो जाता है कि अब मेरे गले में माला आएगी, लेकिन वो माला नहीं आती। जो ही वो माला बिना डाले अगले चली जाती है तो वो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, उसका चेहरा एकदम धूमिल हो जाता है, दूसरा चेहरा खुश हो जाता है। तो ये इसका वर्णन किया, वो बड़ा प्रसिद्ध है, उसी के कारण उसका नाम पड़ा दीप शिखा कालिदास। उसने वर्णन किया है कि जिस समय स्वयंवर हो रहा था
उस समय स्वयंवर में वो जो कन्या थी वह माला लेकर जा रही है। संचारिणी दीप शिखे व रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेन्द्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमिपाल। उसकी स्वयंवर में, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, वो बड़ा प्रसिद्ध स्वयंवर है, स्वयंवर में कन्या माला लेकर जा रही है तो जिस जिस व्यक्ति के सामने माला आती है वो तो चमक जाता है और जाते ही उसके बाद उसी पर अंधेरा आ जाता है। तो जैसे कोई लैंप लेकर किसी लेन में जा रहा हो, संचारिणी दीप शिखे और रात्रो सुनरेन्द्र मार्गाट प्रपेदे, मतलब मकानों की लाइन के आगे होकर कोई लैंप लेकर जा रहा है तो जिस मकान के आगे से लैंप गया वो तो चमक जाता है और उसे छोड़ते ही वापस अंधेरा हो जाता है। ये है उसके स्वयंवर का वर्णन। उस स्वयंवर के वर्णन में दीप शिखा की तरह वह जा रही थी, ये जो स्वयंवर का वर्णन है उससे उसका नाम दीप शिखा कालिदास ये डाला गया। वो नाम प्रसिद्ध है उसका, मैं इस समय भूल रहा हूँ, स्वयंवर उसका कालिदास ने वर्णन किया है। इसी प्रकार एक पूरी तरह से गति का वर्णन किया कालिदास ने, हिरण खाते हुए अपना खाना खाते हुए जा रहा है और तेजी से दौड़ रहा है, तो हिरण के दौड़ने का सिवाय वीडियो में और कहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता। गर्भ मतलब दुष्यंत जा देखता है कर्ण के आश्रम में एक हिरण खाते खाते दौड़ रहा है, पीछे जो ही उसके शिकार करने वाला आया तो हिरण डर के मारे भाग रहा है और वो किस प्रकार भाग रहा है कि उसके मुंह से जो खाई हुई चीजें धीरे धीरे गिर रही हैं, तो वो दौड़ रहा है, छलांग लगा रहा है और वो चीजें गिर रही हैं, तो वो रास्ते में लंबी लंबी लकीर बन रही है उसके मुंह से खाई हुई चीजों की, वो उसका भी अद्भुत वर्णन है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढ़ैहि तनुविवृत नखभ्रंशिभिः मुख विवृत नखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मः पश्योदग्र प्रदत्वात् वियति बहुतरम् स्तोकमुर्व्याम् प्रयाति। ग्रीवा भंगाभिरामम् मुहुर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायम् दर्भैरर्धावलीढ़ैः मुख विवृत मुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्र प्रदत्वात् वियति बहुतरम् स्तोकमुर्व्याम् प्रयाति। ये हिरण है भैया, देखो कैसा अद्भुत कर रहा है। हिरण आकाश में ज्यादा चल रहा है, पृथ्वी में बहुत कम आ रहा है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, पीछे रथ की तरफ देख रहा है और अपने जो गर्दन है वो मुड़ी हुई है, पीछे की तरफ गर्दन मुड़ी हुई, तो ये पूरा वर्णन मुड़ी हुई गर्दन को देखकर फिर भागता है और कुछ खा रहा है। ये गति का वर्णन, औरों ने तो स्थिति का वर्णन किया है, कालिदास ने गति का वर्णन किया है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट सनुपतन भयात भूयसा पूर्व कायम, और पीछे वाला हिस्सा इतना उछलता है कि वो दिखाई नहीं देता, पीछे वाला हिस्सा आगे की तरफ चला जाता है। दर्भई रद्धावली ढही मुख भ्रंश भी कीर्ण वर्तमा तनुवृत मुख भ्रंश भी कीर्ण वर्तमा, और दर्भ खा रहा है, आधा मुंह में आधा नीचे है, तो जहां जहां बेचारा डर के मारे जा रहा है, मेरे शिकार होने के डर से भाग रहा है, तो बिल्कुल लकीर खींचता हुआ जा रहा है। तो वो उसकी गति का वर्णन जो कालिदास ने किया है उसकी दृष्टि से कालिदास बहुत प्रसिद्ध है, वर्णन करने में अद्भुत है। ऐसे सैकड़ों वर्णन कालिदास के, सब जगह उसने गति के वर्णन किए हैं स्थिति की बजाय, और उस गति चित्रण से कालिदास की खासियत है कवि कुल गुरु होने की,
वैसा चित्रण ऑब्जर्वेशन के बिना नहीं किया जा सकता। और कवि का मतलब वही होता है, केवल कल्पना करेगा क्या कवि? कवि कल्पना के साथ साथ निरीक्षण भी करता है, सूक्ष्म निरीक्षण, उसके बाद कल्पना लेके आओ, सूक्ष्म निरीक्षण पहले करो। तो इसने पहले सूक्ष्म निरीक्षण किया चमरी गाय का, याक गाय का निरीक्षण किया, बाद में कल्पना लेके आया कि ये इसको इसकी चमर डुला रही है, ये तो कल्पना बात की है। ये उसकी खासियत है, निरीक्षण और कल्पना, ये इन दोनों का संयोग है। ये कविकुल गुरु कालिदास की विशेषता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, बाकी सामान्य विशेषताएं तो सुप्रसिद्ध हैं। उपमा बहुत बढ़िया है, कालिदास ने कैसा बढ़िया वर्णन किया है प्रेम का, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का। रघुवंश में पूरे राजाओं का, 60 के करीब राजाओं का वर्णन किया, राम का वर्णन अद्भुत किया है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है, राम और सीता का वर्णन उसने जो किया, उसमें उसने ही इस बात पर बहुत विवाद है, आपको मालूम है भली भांति, कि सीता ने राम ने रावण का विजय प्राप्त करके सीता को वापस अपनाया, पुष्पक विमान में बैठा कर लाया गया, उसको अग्नि परीक्षा की गई कि सीता कई महीनों तक रावण के यहाँ रही, किंतु पवित्र की पवित्र रही, हर आदमी जानता है, फिर भी किसी के कहने से सीता को वनवास दे दिया गया। इतना बुरा काम क्या राम कर सकते हैं? तो वाल्मीकि ने इसका वर्णन किया है, वाल्मीकि ने पूरा वर्णन किया कि सीता का निर्वासन कर दिया गया, लेकिन निर्वासन के समय लक्ष्मण को भेजा गया, और उसको केवल निर्वासन केवल ये था कि वाल्मीकि के आश्रम में रखा गया, वहां सीता का जापा हुआ, सीता का प्रसव हुआ, उसमें कुश और लव नाम के दो राजकुमार पैदा हुए, उन सब का वर्णन बहुत अच्छा किया है। इसमें मतभेद है, लोगों का ये कहना है कि वाल्मीकि ने ये कभी वर्णन नहीं किया था, ये प्रक्षिप्त है, बाद में जोड़ा गया है। वाल्मीकि में तो सीता जब वापस आ गई तो उसको अपना लिया गया और वहीं पर लव और कुश पैदा हुए अयोध्या में, ये माना गया। और कालिदास ने भी दुई सुत सुंदर सीता जाए ये की, ये बात रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी यही बात लिखी है। इसलिए ये बात प्रसिद्ध है कि वाल्मीकि में ये बाद में जोड़ा गया होगा, जैसा कि तुलसीदास ने कहा है, तुलसीदास ने कभी भी सीता निर्वासन नहीं लिखा गया, वाल्मीकि में बाद में जोड़ा गया होगा, तुलसीदास ने उसको नहीं माना, ये बात प्रसिद्ध है। किंतु कटु सत्य यह है कि कालिदास ने सीता के निर्वासन का वर्णन किया है, उसमें ये कि उसका कारण पूरा बताया, उसका कारण ये है कि भाई मैं क्योंकि राजा हूँ, इसलिए अगर प्रजा में कोई भी बात फैल रही है तो इस बात के बतलाने के लिए कि प्रजा को ये विश्वास हो जाए कि सीता पूरी तरह पवित्र है और सीता के उदर में जो गर्भ था वो मेरा है, ये प्रत्यक्ष हो जाए, इसके लिए उसको करना पड़ा। इसलिए वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण के साथ कालिदास ने वर्णन किया है कि राम सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेजते हैं, वहां पर वो उसको कहते हैं कि भैया ने ये किया है राम ने कि कुछ दिनों आपको यहाँ रहना होगा और यहीं पर आपका प्रसव होगा, इसके क्योंकि ये प्रजा ने ये कुछ कहा है तो केवल प्रजा के बताने के लिए, बाकी उनको हमको सबको पर आप पर कौन अविश्वास कर सकता है, पूरा विश्वास आप पर है, किंतु प्रजा के बतलाने के लिए ये किया है कि आप कुछ दिन यहाँ रहें। इस पर कालिदास ने इसका वर्णन किया दुर्भाग्य से, वो बहुत अच्छा वर्णन है, और लेकिन उसमें कालिदास के हृदय में जो क्रांति का बीज है वो उसने किया। कालिदास महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में था, महिला मुक्ति आंदोलन का कालिदास भी समर्थक था, इसका प्रमाण एक वहां मिलता है, उसने अद्भुत ढंग से किया है। अगर आज की स्थिति में कोई महिला इस प्रकार होती और वो जैसा कुछ कहती वैसा कालिदास ने वर्णन किया, वो अद्भुत है। सीता को जो ही छोड़ता है तो वो कहता है वाच्यस्त्वया, सीता कहती है, सीता लक्ष्मण से कहती है ठीक है भैया, महात्मा राम ने मुझे अगर छुड़वाया है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उस समय मेरे पति नहीं है, वो केवल राजा हैं, मेरे पति होते तो मुझे छोड़ते, केवल राजा हैं, प्रजा के अनुरंजन के लिए कर रहे हैं। वाच्यस्त्वया मद्वचरात्स राजा वह्नौ विशुद्धामपि यत्समक्षम
माम लोक वाद श्रवणा दहाती श्रुतस्य किंतत् सदृशं पुलस्य। तो उनका देखो भैया ये सब भूल गए, मुझे उन्होंने जब अपनाया था उस समय जो वचन दिए थे कि हमेशा साथ रहेंगे वो सब भूल गए। तो और वन्नौ विशुद्धाम अपि यत् समक्षम, अग्नि के सामने मेरी परीक्षा हुई थी वो भूल गए। माम लोकवाद श्रवणादहासि श्रुतस्य किंतत् सदृशं कुलस्य, न कामचारो मयि शङ्कनीय यतो हि विवाद विक्षेपतु अप्रसह्य। वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ भूल गए क्या, ये की ये बात वाल्मीकि ने भी लिखी है, वाल्मीकि ने भी यह वर्णन किया है कि लक्ष्मण उनसे कहना कि क्या वो भूल गए हम लोगों के विवाह के समय की प्रतिज्ञाएं भूल गए, केवल राजा होने की बात उनको याद रही और पाणि ग्रहण की बात भूल गए, अपनी मेरे प्रति कर्तव्य को भूलकर प्रजा के प्रति कर्तव्य याद रखते हैं, ये राजा का धर्म निभा रहे हैं पति का धर्म नहीं निभा रहे, ये बात वाल्मीकि ने भी लिखी है और कालिदास ने भी लिखी है। ये दृष्टि कालिदास की अद्भुत है, वो वर्णन भी बहुत ही अद्भुत है जहाँ पर लक्ष्मण उनको छोड़ने जाते हैं और वो वर्णन अद्भुत, ये कालिदास की एक विशेषता है। कालिदास की विशेषताओं में अनेक विशेषताएं हैं, एक और अद्भुत बात ये लिखी है जो लगता है कि आज के युग में कालिदास ने किस प्रकार युग की प्रवृत्ति को पूरी तरह अपनाया, आज के युग की प्रवृत्ति को अपनाया था और उस समय शिक्षक क्या होता है और क्या नहीं होता इसके बारे में भी अपना विचार व्यक्त किया है, वो अद्भुत चीज है। उसने एक तो ये बताया है कि शिक्षक कौन अच्छा होता है, दो प्रकार के विद्वान होते हैं, एक विद्वान वो होता है जिसमें बहुत अच्छा ज्ञान होता है, विद्वान होता है बड़े ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर अध्ययन करके जो ज्ञान आता है वो बड़ा कीमती होता है और वह ज्ञान बहुत ही बहुमूल्य होने के कारण उसमें संचित रहता है, उस व्यक्ति में संचित रहता है। तो वो व्यक्ति क्या शिक्षक हो सकता है, वो शिक्षा दे जरूरी नहीं है, उसके अंदर ज्ञान है उसको एक्सप्रेस कैसे करेगा वो आवश्यक है, तब जाकर के शिक्षक बनेगा। तो ये ज्यादातर लोग बाग जो बड़े ज्ञानी होते हैं वो अगर बोले नहीं अध्ययन करें चले जाएं, ऐसे कई ज्ञानी होते हैं, तो वो एक दूसरी प्रकार के विद्वान होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ज्ञान उतना नहीं होता किंतु एक्सप्रेशन बड़ा होता, अभिव्यक्ति बड़ी बढ़िया होती है, ऐसी अभिव्यक्ति बोलते हैं, भाषण बड़ा बढ़िया देते हैं, ज्ञान अंदर नहीं होता, भाषा आती है, भाषा के मुहावरे आते हैं, लोगों को लुभाना आता है, तरीके सब करने आते हैं, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति आज मिलते हैं। ये कालिदास ने 2000 वर्ष पहले कितने ढंग से देखा था, ये अद्भुत मामला लगता है। तो उसने इसका वर्णन किया है विक्रमोर्वशी में, एक नाटक में वर्णन किया है कि भैया एक बहुत अच्छा विद्वान ने उसको किया, ये इसमें श्लिष्टा क्रिया कस्यचित आत्म संस्था, इनके आत्मा में बहुत ही गजब का ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें, और दूसरे में उस ज्ञान कोई सा भी ज्ञान हो चाहे ज्ञान कम हो लेकिन उसको देने का तरीका आता है बहुत बढ़िया, तब क्या होगा, तब उनका कि सबसे अच्छा वो है जिस व्यक्ति में ये दोनों हो वो है अद्भुत शिक्षक, जिसमें अंदर भी ज्ञान हो और उस ज्ञान को अभिव्यक्ति करने की क्षमता भी हो, ऐसे कई लोग होते हैं, तो शिक्षक वही होता है। शिक्षक की परिभाषा कितनी बढ़िया कालिदास ने इसमें दी है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। उसने लिखा है श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठा पैतव्य एव, यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठा पैतव्य एव। श्लिष्टा क्रिया कस्यचित आत्म संस्था, किसी में ज्ञान अपने आप में बहुत गंभीर होता है,
श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्म संस्था और संन्यास संक्रांति रण्यस्य विशेष युक्ता, किसी में उसको संक्रांत करने की यानी अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। संक्रांति रण्यस्य विशेष युक्ता यस्योभयम् साधु, तो जिसके पास ये दोनों हैं सशिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव, वही व्यक्ति वास्तव में टीचर एजुकेटर प्रोमोटर मोटिवेटर, आजकल मोटिवेटर नाम की चीज बहुत चली हुई है, तो मोटिवेटर वही हो सकता है। कुछ लोग तो ऐसे मोटिवेटर हैं जिनको खुद का ज्ञान नहीं, केवल मोटिवेट करते हैं, वो संक्रांति रण्यस्य विशेष युक्ता, बस वो केवल अभिव्यक्ति कर देते हैं, उपदेश देना बड़ा बढ़िया आता है। अरे तुम में अंदर खुद में ज्ञान है, खुद में अगर ज्ञान नहीं है तो केवल उपदेश किस काम का। तो संक्रांति रण्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भयम् साधु सशिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव, ये उसका बड़ा अद्भुत उस समय आज से 2000 वर्ष पहले की परिभाषा बनाई हुई है। इसी प्रकार एक और परिभाषा बनाई हुई है आजकल, आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी उस पर ये परिभाषा बहुत लागू होती है। आजकल लोग बात क्या है, टीचिंग शॉप खोलते हैं, केवल कमाई के लिए ज्ञान, ज्ञान को बेचना, ये उस समय नहीं होता होगा, लेकिन कालिदास ने जिस तरह से वर्णन किया है उससे लगता है कि उस समय इस प्रकार के लोग होते थे जो कुछ दक्षिणा लेकर पैसे लेकर ज्ञान को बेचते थे। मुझसे ज्यादातर पूछा जाता है, हम लोग जब रूस गए थे रशिया तो वहां पर भी ये पूछा गया कि साहब आपके यहाँ जो एजुकेशनल पैटर्न है, आपके यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, जो स्कूल्स कॉलेजेस चलते हैं, उनमें फीस का क्या फॉर्मूला है, फीस फॉर्मूला क्या है, कितनी फीस लेते हैं, क्या करते हैं। तो हमने कहा भाई हमारे यहाँ अलग अलग प्राइवेट के अलग अलग फीस हैं, गवर्नमेंट की अलग फीस है, फीस जमा कराओ तब जाकर के पढ़ना पड़ेगा। तो उनका प्राचीन भारत में भी फीस थी क्या, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन भारत में कोई फीस नहीं थी, निःशुल्क शिक्षा होती थी सब जगह, पूरी तरह शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी और केवल विद्यार्थी से काम लिया जाता था। कृष्ण और सुदामा का नाम आपने सुना होगा, कृष्ण और सुदामा गुरु सांदीपनी की सेवा करते थे, केवल एक पैसा उनसे कभी फीस ली गई हो आपने सुना, कोई फीस का सवाल ही नहीं था। तब मुझसे पूछा गया साहब एक बात है, गुरु दक्षिणा आप सुनते होंगे वो क्या थी। मैंने कहा बिल्कुल ये पूछना जरूरी है कि गुरु दक्षिणा क्या होती है। गुरु दक्षिणा केवल तब होती थी जब पूरे गुरुकुल में पढ़ने के बाद छात्र पास होकर के और अपने कैरियर में जाता था, केवल कैरियर में जाते समय जब दीक्षांत हो जाता था, स्नातक होकर जाता था, तो स्नातक से कहा जाता था कि अब तुम यदि कमाओ तो उसका इतना हिस्सा हमारे यहाँ जमा करा दो। कितनी अद्भुत चीज है ये, जितने भी जहां भी कहीं हो गए या आपने सुना होगा पुराने उन सब के शांति पर उद्दालक का सुना होगा कि उसकी गुरु पत्नी ने कहा कि मेरे कर्ण फूल ला करके दो, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। और कईयों ने अपनी जो एक ने काउत्स ने गुरु दक्षिणा मांगी तो वो रघु के पास आया कि मेरे गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी है, इतनी स्वर्ण मुद्राएं, वो सब स्नातक होकर आए, कोई भी पढ़ते समय कभी भी नहीं आया। गुरु दक्षिणा हमेशा होती थी स्नातक होने के बाद, चले जाने के बाद शिष्य स्वयं कहता था कि गुरुजी मैं आपको क्या दूं, वो गुरु कभी नहीं मांगता था, शिष्य कहता था कि अब आप मुझे बता दीजिए मैं क्या भेंट करूं, वह गुरु दक्षिणा होती थी। तो ये सब जगह इस गुरु दक्षिणा का विवरण मिलता है। तो ये फीस अगर कैरियर में जाने के बाद हो तो जो आपको पहला ऑफर मिला है उसमें से कुछ आप दे दें तो बहुत बढ़िया है। तो उनको बहुत पसंद आया, उनका साहब ये पैटर्न तो बहुत ही बढ़िया है कि उसके बाद पास आउट होकर जो जाए उसको जो ऑफर मिले उसमें से कुछ दिया जाए, वो तो समझ में आता है। जो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कहते हैं वो, जो उसको जो ऑफर दिया जाता है उसमें से कुछ आपको मांग लिया जाए वहां तक तो ठीक है, किंतु फीस बिल्कुल नहीं ली जाती। इसका विवरण कालिदास ने बड़े अद्भुत ढंग से किया है। उसने कहा कि कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जो अपना ज्ञान
डर के मारे बताते नहीं हैं और केवल लोगों को फीस लेकर पढ़ाई करवाते हैं। लब्धास्पदोस्मीति विवाद भीरो परीक्षमाणस्य परैर्तितिक्षाम यस्यागमः केवल जीविकायै तम ज्ञान पण्यम वनिजम वदन्ति। ये कालिदास ने कहा लब्धास्पदोस्मीति विवाद भीरो प्रतीक्षमाणस्य परैर्तितिक्षाम यस्यागमः केवल जीविकायै तम ज्ञान पण्यम वनिजम वदन्ति। उनका भैया कुछ इस प्रकार के हैं जो ज्ञान तो है उनको, लेकिन उस ज्ञान को आगे आकर के किसी से डिस्कस नहीं करते, विवाद भीरो विवाद नहीं करते, क्योंकि लब्धास्पद मैं अभी ऊपर जिस ऊंचाई तक पहुंच गया हूं, अगर मेरी असलियत सामने आ जाएगी तो बहुत बुरा होगा। इसलिए लब्धास्पदोस्मीति विवाद भीरो तितिक्षमाणस्य परैर्निन्दाम, और दूसरे कोई उसकी निंदा करते हैं तो उससे डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा कोई मेरी असलियत जान ले। इसलिए वह विवाद नहीं करता, ओपन नहीं होता, और यस्यागम केवल जीविकायै तम ज्ञान पण्यम वणिजम वदन्ति, जो अपने ज्ञान को कमाई का साधन मानता है। यस्य आगम केवल जीविकायै, आगम माने ज्ञान, ज्ञान को जीविका का जो साधन मानता है वो तो ज्ञान पण्य है, उसने तो ज्ञान को कमोडिटी बना दिया, वो तो ज्ञान का बेचने वाला है, वो तो टीचिंग शॉप्स है, वो तो सेल्समैन है। तो ये बहुत अद्भुत है, तम ज्ञान पण्यम वणिजम वदन्ति, उसने ज्ञान को सेल की कमोडिटी बना दिया है, जिसने ज्ञान को सरस्वती को विद्या को सेल की कमोडिटी बना दिया वो तो बनिया हो गया, विद्वान है क्या वो। तम ज्ञान पण्यम वणिजम वदन्ति, ये एक अद्भुत चीज उसने कालिदास ने दी है। ये दोनों चीजें किस प्रकार शिक्षक होना चाहिए उसकी परिभाषा उसने दी है, और इसी प्रकार उसने दी ज्ञान पण्यम वणिजम वदन्ति, जो टीचिंग शॉप्स खोलते हैं और ज्ञान को बेचते हैं वह केवल बनिए हैं, उनको विद्वान कौन कहेगा, ये कालिदास की उक्ति है। इस प्रकार कालिदास ने अनेक ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया है, अनेक ऐसी स्थितियों का वर्णन किया है जो केवल कालिदास तक ही अनुपमेय हैं और किसी ने नहीं किया। ये कालिदास की खास विशेषता है, इसीलिए वो कवि कुल गुरु हैं और उनका कोई जवाब नहीं है। महाकवि कालिदास वैसा आज तक दूसरा क्यों नहीं हुआ, उसके ये अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ कारणों का मैंने आपको विवरण दिया। वर्णनों की खासियत, सूक्ष्म निरीक्षण का वर्णन, कुछ इस प्रकार के वर्णन जो परिभाषाएं देते हैं आज भी, कुछ इस प्रकार के वर्णन जो केवल गति का चित्रण करते हैं, स्थिति का नहीं करते हैं, जो आज फिल्म, उस समय पता नहीं फिल्में बनती होंगी या नहीं बनती होंगी, किंतु कालिदास ने जिस तरह का वर्णन किया है उससे ये लगता है कि वो केवल फिल्म के लायक वर्णन है, जिसमें पूरी तरह गति चित्रित हो जाए, इस प्रकार का ये केवल कालिदास की विशेषता है, अन्य कवियों के नहीं है। इसलिए अन्य सब कवियों से वो कवि कुल गुरु हैं, माघ भी वैसे नहीं है, भारवी वैसे नहीं है, दंडी वैसे नहीं है, ये कालिदास की है।